आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सोमवार को नगर मेवत प्रदेश स्थापना दिवस पर नगर परिषद ठीकरी में सफाई कर्मचारियों को सफाई किट का वितरण किया गया। साथ ही सफाई के लिए वार्ड अनुसार कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें कर्मचारियों को वार्ड के अनुसार सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद ठीकरी प्रशासक डॉक्टर मुन्ना आर ने बताया कि रोजाना सुबह 6 बजे नगर परिषद अमला एवं सफाई कर्मी अपने कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वार्ड में सफाई करेंगे एवं नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा सफाई का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही अन्य समस्याओं को भी दर्ज कर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। डेंगू को लेकर प्रशासक महोदय ने बताया कि सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है एवं जहां पर भी डेंगू का लार्वा पनपने की आशंका रहेगी वहां पर विशेष रूप से सफाई कर एवं दवाई का छिड़काव कर लार्वा को पनपने से रोका जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र मा की खास रिपोर्ट। आज 1 नवम्बर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर नगर परिषद ठिकरी में जो सफाई कर्मी थे उनको सफाई किट का वितरण किया गया और एक सफाई का नगर परिषद में कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिदिन सुबह 6 से 8 बजे तक सभी सफाईकर्मी नगरपालिका अमला साथ में रहेंगे और वार्डवार सफाई का एक हमने कैलेंडर जारी किया है, उसके अनुसार साफ सफाई का काम भी करेंगे। सर, नगर में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सर इसमें कोई अपन को कुछ कार्रवाई कर रहे हैं सर? इस बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो कचरा वाहन है उसके ऊपर अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए संदेश, जिसमें सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी या भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही साथ जो भी नालियां ऐसी है जहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना है या हुआ है, ऐसे स्थानों पर साफ सफाई का कार्य विशेष रूप से करवाया जा रहा है, जिससे डेंगू के जो लार्वा है वो पनप नहीं सके। कई वार्डों में सर नालियाँ आज भी अधूरी है, अपूर्ण बनी हुई है, सर इसमें क्या कहेंगे? चूँकि अभी अभी मुझे इसका प्रभार मिला है और हमने इसका एक एक्शन प्लान बनाया है, हम ये चाहते हैं कि हमारे नगर परिषद का अमला इसमें कार्य तो करेगा ही, साथ ही जन भागीदारी इसमें यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी यदि इस भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा रिजल्ट आएगा।